Good morning, Standard 7. Students, how are you, beta? Up till now, we had finished two chapters of PA2 portion. Properties of parallel line and data handling, mean median mode. These two chapters are already finished. Today I am going to start chapter 4 and the name of the chapter is rational number. Before starting the rational number, I would like to recapitulate all those things which you studied earlier in standard 6 or in standard 5. So very first, the main thing, when we start any number, the number starts from natural number. What are natural number? Can anybody tell me? I know many of you knows that what is natural number. All counting numbers are called what? Are called natural number. And natural number in short, n number. Example, numbers starting from 1, 2, 3, 4, up to infinite. Why infinite? Because nobody can say that up till which number the counting is going to be finished. So it is infinite. What is whole number? Whole number kya? All counting numbers including zero. Counting number mein hum zero add nahi karte hain, but when we are talking about whole number, so all counting numbers ya all natural numbers including with zero. Including with zero. Matlab usne aapne counting number mein zero bhi add kar diya. Is called whole number. Whole number ka short kya hai? W number. So example, here the counting begins from 0, 1, 2, 3 up till infinite. Again, nobody can say that at what number all the whole numbers finishes. Come to integers. Integers kya hote hain? Sare ke sare counting number, zero or uske negatives. मतलब जीरो से भी नीचे वाले नंबर. जीरो आपका मिडल है, ऊपर में पॉजिटिविटी है, नीचे नेगेटिविटी है. मतलब जीरो से ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव नंबर आएंगे और जीरो से नीचे जाइएगा तो नेगेटिव नंबर आएंगे. तो ऑल नेचुरल नंबर्स इट्स नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. अब देखो ये बीच में सेंटर है, ये जीरो है. इधर पॉजिटिव की यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट. और इधर यहां से शुरू नहीं करेंगे, इधर -1 बैक जा रहे हैं, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट. यानी कि नेगेटिव नंबर में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा क्योंकि वो माइनस साइन के साथ. अब -1 और -2 में बड़ा कौन सा नंबर है? -1 बड़ा है और -2 छोटा है. ठीक है, तो ये सब चीजें हमको नहीं लगता कि आपको फिर से बताने की जरूरत है. अब ये तीन डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेने के बाद चले आते हैं फ्रैक्शंस पे. फ्रैक्शंस भी आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ी है. अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b in the form of a by b yani ke bhatte wali values fraction wali values 1 by 3 7 by 9 11 by 13 they are all called fractions. A number in the form of a by b where jahan a and b are natural number. ye sare number natural honge. kehne ka matlab सिर्फ नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे ऊपर नीचे तो वो क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन. बट अब हमें पढ़ना है रैशनल. इसे इसकी एग्जांपल दे देते हैं 1/2 3/7 9/11 13/19 एटसेट्रा. इस तरह के सारे नंबर्स कौन से नंबर कहलाते हैं? फ्रैक्शन. अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? अगेन आ नंबर इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारे लोगों को आज तक स्टैंडर्ड 8, 9, 10 से जाने के बाद भी फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में फर्क समझ में नहीं आता. रैशनल नंबर समझते हैं और फ्रैक्शन को भी समझते हैं कि वो रैशनल नंबर ही है, बट फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर नहीं होता है.
रैशनल नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को यहीं पे क्लियर करके जाना है। रैशनल नंबर, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, अब यहां पर वेयर ए एंड बी आर, यहां रैशनल नंबर था, यहां होगा इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर सब आते हैं, ठीक है। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, बट ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो सकती है बट नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी, बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, अब रैशनल नंबर का शॉर्ट क्या होगा, आर नंबर। अब रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ इट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स से बना हुआ है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब जहाँ पर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के, जैसे कि 7/11 या -1/-3, -1/-3 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों के माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। -13/-19 या 9/1000, दे ऑल आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जहां न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव हो, यानी कि -7/11, -3/7, 4/9, -9 एक्सेट्रा। अब देखो एक बात और जो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि जब एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो कोई भी नंबर नेगेटिव हो सकता है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो सकता है। डिनोमिनेटर जब आपको नेगेटिव लिखा गया है ना, इनफैक्ट वो डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव होता नहीं, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में या फिर न्यूट्रली बीच में आके शिफ्ट हो जाती है। आप डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं दिखाओगे, डिनोमिनेटर का माइनस साइन अगर क्वेश्चन में लिखा भी गया है तो वो खुद ब खुद न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे। ये ध्यान दीजिए, ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी अभी बताएंगे, बट एक्सरसाइज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ओके क्लास, हियर कम्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ हम रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे जिन पर बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है। दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज, यहाँ इसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई नंबर, कोई रैशनल नंबर ए अपॉन बी या फिर पी अपॉन क्यू के नाम पर पड़ा, अब ए अपॉन बी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ए ही है और बी ही है, ए और बी वेरिएबल हैं और वेरिएबल कैन चेंज। ए बाई बी की वैल्यू 2/3 भी हो सकती है, 22/33 भी हो सकती है और 1/9 भी हो सकती है, कुछ भी जो आप चाहो, जो आप इमेजिन करो। देखो हमने यहाँ पर पी बाई क्यू को 2/3 माना है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर अपने दिमाग में सेट कर लो, उसको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर से अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी किया, मतलब न्यूमरेटर से 5 मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर विल रिमेन अनचेंज, अनचेंज यानी कि अब ये बदल के 5 × 10 और 3 × 5 = 15 हो गया। दिखने में ये नंबर बेशक अलग हो गए हैं बट द मेन वैल्यू ऑफ बोथ द नंबर विल रिमेन सेम, क्योंकि जैसे ही आप 10/15 लिखोगे ऑटोमेटिकली ये 5 से करके दोबारा से 2/3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप चाहो तो एक कॉमन नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो। ऐसे तो हमें किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की परमिशन नहीं है सिवाय 1 की, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, और 1 का मतलब है 1 करोड़ / 1 करोड़ भी हो सकता है, 99/99 भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी 99 नीचे भी 99 कट के उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ऊपर भी 1 करोड़ नीचे भी 1 करोड़ कटने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। दिखने के लिए शक्ल बेशक करोड़ों में है पर उसकी बेस वैल्यू 1 है। अभी हमने यहाँ पर 5/5 किया, यानी कि 2 को भी 5 से इंक्लूड किया, 3 को भी 5 से इंक्लूड किया, हमको कोई राइट नहीं था, पर क्योंकि इसकी
वापस आप उसी वैल्यू पर चले आ गए, है ना। इसलिए कहा जाता है कि आपको इतनी परमिशन है कि आप अपने सम को सॉल्व करने के लिए, अपना टारगेट सेट करने के लिए, अपने एम्बिशन तक पहुंचने के लिए किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, नंबर में कोई चेंज नहीं आए। जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे ही डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 32/36 है, हमने इसको 4 से ऊपर 4 से नीचे डिवाइड कर दिया। देखो डिवाइड कर दिया क्योंकि 4/4 से किया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। 4/4 से डिवाइड किया है इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो 1 से हम कर सकते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई। आपने 99 को 1 से डिवाइड किया, आंसर निकल गया 99। आपने 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन द आंसर इज 99। अब यहाँ 32 को 4 से डिवाइड किया, आंसर इज 8। 36 को 4 से डिवाइड किया, आंसर इज 9। अब देखने के लिए तो शक्ल अलग हो गई, इधर 32/36 था, इधर 8/9 हो गया। कोई अनोन बच्चा जिसको इसके बारे में नहीं मालूम है उससे अगर हम पूछें कि बताइए दोनों वैल्यू सेम है, वो बोलेंगे नहीं ये तो 32/36 है और ये 8/9 है। बट क्योंकि आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो तो आप क्विकली आंसर दोगे नो दिस इज सेम, क्योंकि यहाँ पर ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए। इक्विवेलेंट का मतलब इसकी वैल्यू इक्वल हो, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ ये प्रॉपर्टी देखो बच्चे, ये चारों की डेफिनेशन आपको बुक से नोट डाउन करनी है, हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग। चारों की डेफिनेशन आप लिखोगे क्योंकि आपका एग्जाम हो सकता है फिर से एमसीक्यू हो, उसमें उन डेफिनेशन से सवाल पूछा जा सकता है। इस वक्त डेफिनेशन आपके कंटेंट से ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज में जो कंटेंट है उससे ज़्यादा ज़रूरी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आपको बेस क्लियर होगा यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सम। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर विद एनी कॉमन नंबर विद एनी रैशनल नंबर, ऊपर नीचे एक जैसा नंबर होना चाहिए। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नंबर विल रिमेन अनचेंज। कहने के लिए तो ये 8/9 हो गया है बट इसकी रूट वैल्यू 32/36 ही। कैसे है वो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा है 3/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इस नंबर के हम जितने चाहें, जितनी काउंटिंग होती है ना इनफाइनाइट काउंटिंग होती है, इसी सेम वैल्यू के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये देखिए, अगर हम इसको 1/1 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ गया 3/4। अगर हम 3/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा 6/8। 3/4 और 6/8 में कोई अंतर नहीं है। अगर हम 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू दिखने में बेशक चेंज हो गई 9/12 बट आंसर में कोई फर्क नहीं है। 3/4 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें आ गया 12/16 बट द बेस वैल्यू इज 3/4। 3/4 को इंटू 5/5 कर दिया आंसर है 15/20 बट क्या है ये देखिए, ये सारे नंबर जो हमने नए नए जनरेट किए हैं दे आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बट 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 9/12 इज इक्वल टू 12/16 इज इक्वल टू 15/20। ये पांचों नंबर की बेस वैल्यू सेम है। 3/4 इसको 2 से काट दो, 3/4 इसको 3 से काट दो, 3/4 इसको 4 से काट दो, 3/4 इसको 5 से काट दो, 3/4 सबकी बेस वैल्यू 3/4 ही है। इसको क्या कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी से सम्स आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए आएंगे। अब आई टर्न स्टैंडर्ड फॉर्म, इन सब की डेफिनेशन बुक में लिखी है आपको कॉपी डाउन कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इन दोनों का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो और उसको काट दो, तब तक काटते रहो जब तक कि एचसीएफ वन ना आ जाए। एचसीएफ वन ना आ जाए का मतलब कि आप किसी नंबर से ये कट नहीं रहा भाई अभी आप स्टॉप करो। तो देखिए 21 और 35 कौन से ऐसे नंबर में आते हैं, समझ में आ रहा है।
टर्म क्या हो गई, माइनस फोर बाई फाइव। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चे, ये सारे डेफिनेशंस और इन चारों को आपको खुद से लिखना है, परेशान नहीं होइएगा। एक एक एग्जाम्पल जो हमने लिखी है इसको यूज करिएगा और डेफिनेशन बुक से देख के लिख लेना है, और ज़रूर एश्योर करना कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।